जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म ब्लड विडो के बारे में। इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फिल्म को मुझे इंस्टाग्राम पे शुभम सूत्रधार ने सजेस्ट किया है, तो अ बिग शाउट आउट टू हिम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि आजकल हमारे चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि यूट्यूब हमारी वीडियोस को सजेस्ट ही नहीं कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी वो तो पता नहीं, लेकिन आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि इसकी रीच और बढ़ सके। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जो जंगल में फोटोग्राफी कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पुराने घर की तरफ पड़ती है, तो वो वहां जाता है। वो घर पूरी तरह टूटा होता है और उसके अंदर बदबू आ रही होती है। उस घर के अंदर उस आदमी को एक बेसमेंट मिलता है, तो वो उसके अंदर जाता है। वहां उसे एक मास्क दिखाई देता है जिसकी वो फोटो खींचने लगता है। तभी कोई वहां आता है और उस आदमी को ब्लेड से काट के मार डालता है। कुछ दिनों बाद उसी घर के साइड वाले घर में एक कपल रहने आता है। इनके नाम होते हैं लॉरी और ह्यू। इन दोनों ने वो घर हाल ही में खरीदा होता है क्योंकि उन्हें ये सस्ते में मिल गया होता है। जब लॉरी सामान फिक्स कर रही होती है तो उसके घर के बाहर उसे एक कार आती दिखाई देती है। लॉरी ह्यू से पूछती है कि वो लोग कौन है, तो वो बताता है कि वो उसके फ्रेंड्स हैं जो उनका घर देखने के लिए आए हैं। उसके बाद ह्यू उनसे बाहर मिलने जाता है और इनके नाम होते हैं केनेथ, एम्बर, मार्क और हार्मनी। लॉरी ह्यू पे गुस्सा करती है कि पहले ही दिन उसने उसके दोस्तों को क्यों बुलाया। वो उसके साथ अकेले यहाँ एक दिन बिताना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बुला के उसका प्लान चौपट कर दिया। ह्यू लॉरी को समझाता है और उसे बताता है कि बस आज रात की बात है, तो वो चिंता ना करे। लॉरी जब ह्यू का सामान अनबॉक्स कर रही होती है तो उसे एक क्रॉसबो मिलता है। वो ह्यू से पूछती है कि उसने क्रॉसबो को क्यों रखा है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये रखा है। ये सुन के लॉरी उस क्रॉसबो को बाहर रख देती है और जंगल की तरफ देखती है। तभी हार्मनी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वो बाहर क्या देख रही है, तो लॉरी उसे बताती है कि उसे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ देर बाद हार्मनी, केनिथ, मार्क और एम्बर बाहर गार्डन में होते हैं, तो उनकी नजर उस पुराने घर की तरफ पड़ती है। मार्क उन सबको वहां चलने के लिए कहता है ताकि वो वहां जाके उधम मचा सकें। केनिथ को ये ठीक नहीं लगता, लेकिन वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर लॉरी जब घर साफ कर रही होती है तो उसे एक फैमिली फोटो और एक गुड़िया मिलती है। वो फोटो वहां पहले रहने वाले लोगों की होती है, जिसे देख के लॉरी को अजीब लगता है। इधर ये चारों दोस्त उस घर में पहुंचते हैं और उसकी छानबीन करने लगते हैं। मार्क को पेशाब आ रही होती है, तो वो उसी घर में पेशाब कर देता है। हार्मनी को वहां कई सारे मास्क मिलते हैं जिन्हें वो रख लेती है। एम्बर केनिथ से कुछ तोड़ने को कहती है, तो केनिथ दीवार पे पड़ी एक फोटो को तोड़ देता है। एम्बर को वहां एक बेसमेंट मिलता है जिसमें स्टार्टिंग में वो आदमी मारा गया था। जब वो उस बेसमेंट के अंदर जाने वाली होती है तो मार्क उसे रोक देता है और वो दोनों वहां एंजॉय करते हैं। वो सभी उस घर में उधम मचाते हैं और कुछ देर बाद चले जाते हैं, लेकिन उनकी ये हरकत कोई देख रहा होता है। रात को ह्यू ने एक पार्टी रखी होती है जहां उसके सभी दोस्त आते हैं। पार्टी में केनेथ एम्बर को देख रहा होता है क्योंकि उसे वो पसंद होती है। तभी हार्मनी उसके पास आती है और उसके साथ डांस करने के लिए कहती है, तो वो उसे इनकार कर देता है। तभी एम्बर केनेथ के पास आती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। ये देख के हार्मनी की किलस जाती है और वो पार्टी के बाहर चली जाती है। वो उसी पुराने घर में चली जाती है और अकेले वक्त बिताती है। तभी हार्मनी वहां एक अनजान आकृति को देखती है जो उसे घूर रही होती है। हार्मनी उसके पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो आकृति एक ब्लेड से उसका पेट काट देती है, जिससे हार्मनी की अतड़ियां बाहर आ जाती हैं और वो मर जाती है। इधर पार्टी में जब दो लोग बाहर मेकआउट कर रहे होते हैं तो वो अनजान आकृति वहां आती है और उन दोनों का गला काट के उन्हें मार डालती है। लॉरी ये आवाज सुनती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अगली सुबह लॉरी उठती है और अब सब घर जा चुके होते हैं। लॉरी को घर के आगे अब भी दो कार्स नजर आती हैं, जो उन्हीं लोगों की होती है जिनकी कल रात मौत हुई थी।
लॉरी ये देख के सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग कहाँ होंगे। तभी ह्यू लॉरी के पास आता है और लॉरी उस पर गुस्सा करती है क्योंकि कल रात वो पार्टी में टल्ली हो गया था अपने दोस्तों के साथ। तभी केनिथ वहाँ आता है और उन दोनों को बताता है कि हारमनी घर में नहीं है। ये सुन के लॉरी केनिथ से पूछती है कि वो कल रात कहाँ गई थी, तो केनिथ उसे बताता है कि शायद वो पड़ोस के घर में गई होगी। उसके बाद वो दोनों पड़ोस के घर में जाते हैं और हारमनी को ढूंढने लगते हैं। लॉरी को उस घर में एक छोटी लड़की की तस्वीर मिलती है जो वही तस्वीर होती है जो उसे उसके घर में मिली थी। उसे वहाँ एक डायरी भी मिलती है जिसे वो रख लेती है। उन दोनों को उस घर में हारमनी नहीं मिलती तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लॉरी को कुछ गड़बड़ लग रही होती है तो वो अपने ब्रोकर को कॉल करके उस घर के बारे में पूछती है। उसकी ब्रोकर उसे बताती है कि वो घर एक साइको लड़की का था जिसने अपने परिवार को मार डाला था। वो उसे उस घर में ना जाने की सलाह देती है और उसे कहती है कि वो अपने पति के साथ कल उसके घर आएगी। उसके बाद हमें वो साइको लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेसमेंट में अपने चाकू की धार तेज कर रही होती है। रात को लॉरी वो डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि June 8, 1999 को उस लड़की के लिए सबसे खतरनाक दिन था। उस लड़की का नाम टिफनी था और वो एक साइको थी। उसे काफी लोग ब्लड विडो के नाम से चिढ़ाते थे जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कोई उससे प्यार नहीं करता था जिसकी वजह से उसने एक दिन चाकू उठाया और सबको मार डाला। ये सब पढ़ के लॉरी समझ जाती है कि उस घर में ब्लड विडो नाम की लड़की रहती है जो एक साइको है और उसे लोगों को मारना पसंद है। इधर मार्क और एम्बर जब साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं तो ब्लड विडो वहां आती है और एम्बर के पेट में चाकू घुसा के उसे फाड़ देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मार्क ये देख के बहुत डर जाता है और भाग के घर के अंदर चला जाता है। वो सबको बताता है कि किसी ने एम्बर को मार डाला है और ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं। ये सुन के केनिथ पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन डेड होता है। लॉरी ये सुन के समझ जाती है कि जरूर वो ब्लड विडो होगी जिसने एम्बर को मारा होगा। वो सभी वहां से निकलने का प्लान करते हैं लेकिन तभी लाइट चली जाती है। लाइट ठीक करने के लिए केनिथ और ह्यू नीचे जाते हैं लेकिन तभी ब्लड विडो वहां आ जाती है और उनपे हमला कर देती है जिससे ह्यू बेहोश हो जाता है और केनिथ भाग के ऊपर चला जाता है। वो मार्क और लॉरी को बताता है कि ब्लड विडो नीचे है जिसने उनपे हमला किया है और उसने ह्यू को जख्मी कर दिया है। लॉरी ये सुन के नीचे जाना चाहती है ताकि वो ह्यू को बचा सके तो केनिथ उसे रोक देता है। तभी उन्हें छत के ऊपर से आवाज आती है तो वो तीनों वहां से बाहर भागने का प्लान करते हैं। वो पहले लॉरी को खिड़की से नीचे उतारते हैं लेकिन तभी ब्लड विडो वहां आ जाती है और मार्क के हाथ काट देती है जिससे लॉरी जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मार्क को मरता देख केनिथ डर जाता है और तभी ब्लड विडो कमरे के अंदर आ जाती है। केनिथ भाग के नीचे चला जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। ब्लड विडो लॉरी को अपने बेसमेंट में ले जाती है और उसे वहां बांध देती है। लॉरी उसे कहती है कि वो जानती है कि वो कौन है। वो वही साइको लड़की है जिसने अपने घर में सबको मार डाला था। ये सुन के ब्लड विडो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर टॉर्चर करती है जिससे लॉरी को बहुत दर्द होता है। इधर ह्यू की आंखें खुलती हैं और वो केनिथ से मिलता है। वो केनिथ से पूछता है कि लॉरी कहाँ है तो केनिथ उसे बताता है कि ब्लड विडो उसे अपने साथ ले गई है और उसने अब तक उसे मार दिया होगा। ह्यू को विश्वास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है। वो प्रोटेक्शन के लिए अपना क्रॉसबो बाहर लेने के लिए जाता है और वहां उसे एक कैमरा मिलता है। उस कैमरे में लॉरी के टॉर्चर की फोटोज होती हैं जिसे देख के ह्यू समझ जाता है कि ब्लड विडो ने उस कैमरे को वहां रखा है ताकि वो लॉरी को बचाने के लिए उसके घर आए। ये देख के ह्यू क्रॉसबो लेके केनिथ के साथ उस घर में जाने का प्लान करता है ताकि वो लॉरी को बचा सके। इधर ब्लड विडो ने लॉरी को बांध के एक स्टोर रूम में रखा होता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। कुछ देर बाद ह्यू और केनिथ ब्लड विडो के घर के अंदर जाते हैं और लॉरी को ढूंढने लगते हैं। इधर लॉरी के घर में ब्रोकर आए होते हैं और उन्हें घर में कोई नहीं मिलता। तभी ब्लड विडो वहां आ जाती है और उन दोनों को मार डालती है। इधर जब केनिथ और ह्यू लॉरी को ढूंढ रहे होते हैं तो ब्लड विडो वहां भी आ जाती है। वो ह्यू पे हमला कर देती है और उसका क्रॉसबो वाला हाथ काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ह्यू को मरता देख केनिथ वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर एक लकड़ी में फंस जाता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। तभी ब्लड विडो वहां आती है और उसे भी मार डालती है। इधर लॉरा किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और भागने लगती है।
ब्लड विडो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। लॉरा भागते हुए ब्लड विडो के बेसमेंट में पहुंचती है और अपने हाथ खोल लेती है। तभी ब्लड विडो वहां आ जाती है और लॉरा पे हमला कर देती है। लॉरा एक हैचेट से उसे मारती है जिससे ब्लड विडो बेहोश हो जाती है। लॉरा वहां से भागने का सोचती है, लेकिन तभी उसकी नजर ह्यू के क्रॉसबो पे पड़ती है। वो ह्यू की लाश देख के बहुत रोती है और बदला लेने का फैसला करती है। वो उस क्रॉसबो को उठाती है और ब्लड विडो को मारने के लिए वापस नीचे जाती है। लॉरा जैसे ही उसे मारने वाली होती है, वैसे ही ब्लड विडो होश में आ जाती है और उसकी क्रॉसबो छीन के वो उसे ही मार डालती है। दोस्तों, इस तरह ब्लड विडो नहीं मरती है, यानी वो आगे और भी कत्ल करेगी और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि एक लो बजट स्लैशर फिल्म है और ये एक वन टाइम वॉच है, तो इसे एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फिल्म में सभी किरदारों ने ठीक ठाक काम किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हर्षित सिंधवानी ने एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, जिसे जीतने के लिए उसे काफी सारे लाइक्स चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग उसकी वीडियो पे जाएं और उसे एक लाइक दें, जिससे कि वो इस कंपटीशन को जीत सके। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज दोस्तों, लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा, ये अपना ही भाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अब एक डिस्टर्बिंग फिल्म की एक्सप्लेनेशन आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। चैनल पे ढेर सारी डिस्टर्बिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन होने वाली है, जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। और तो और, सच्ची घटना पे आधारित सीरीज पे भी अब बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके, क्योंकि यूट्यूब तो इसे सजेस्ट करेगा नहीं, तो आप ही लोग कर दीजिए। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।